श्री रामलला के दर्शन योजना के अंतर्गत पहली आस्था स्पेशल ट्रेन बुधवार को दुर्ग से अयोध्या के लिए रवाना हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और समिति संयोजक धर्मलाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर इस आस्था स्पेशल ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना किया। बता दें कि आस्था स्पेशल ट्रेन में दुर्ग संभाग के सभी 8 जिलों से 1344 दर्शनार्थियों का पंजीयन किया गया है, जिसमें पंजीकृत यात्रियों के अलावा अन्य कोई भी यात्री ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। साथ ही ट्रेन में सुरक्षा प्रहरी और IRCTC के कर्मचारी भी यात्रा के दौरान साथ रहेंगे। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि आने वाले समय में अलग अलग आस्था स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, ये आस्था स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ के पहली रवाना दुर्ग से हुई है। टिकट उसमें व्यवस्था की गई है, सभी टिकट कटा के गए हैं, 1340 यात्री हैं और उसमें भजन मंडली भी साथ में निकले हुए हैं, जो पूरे राम का भजन करते हुए अयोध्या पहुँचेंगे। अयोध्या पहुँचने के बाद में छत्तीसगढ़ के हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर गए हुए हैं, जो टोली वहाँ पर है उनका स्वागत करेंगे और उसके साथ में उनको दर्शन कराने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, भोजन पाने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था वहाँ पर की गई है और बड़े आराम के साथ में भगवान रामलला के दर्शन करके आएंगे। आज हम सब के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य खुशी की बात है कि आज पहली ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुआ है, जिसमें माननीय हमारे मंत्री जायसवाल जी, धर्म कौशिक प्रदेश अध्यक्ष जी और मैं हरी झंडी दिखा करके रवाना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज पहली ट्रेन रवाना हुआ है, यह अयोध्या जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, काफ़ी लोग जा रहे हैं, वहाँ जा कर के भगवान राम का दर्शन करेंगे, भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे और वहाँ से तब लौटेंगे। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात। आज पूरा देखोगे देश में राममय माहौल बन गया।